गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसे कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्पॉइलेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स, कि पर्टिकुलर सीरियल ग्रेन में कैसे स्पॉइलेज होता है और हमें कैसे उसे प्रिवेंट करना है। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि पर्टिकुलर जो स्पॉइलेज हो रहा है सीरियल ग्रेन में, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि पर्टिकुलर जो हमारे सीरियल ग्रेन्स हैं एंड हमारे ऑयल सीड्स हैं उसे किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है इन द बेस ऑफ लॉसेस पे, मतलब उनमें जो लॉस हो रहा है ना उसे रिलेटेड आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसके क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस को दो इसमें कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव लॉसेस एंड सेकेंड है हमारा क्वालिटेटिव लॉसेस। तो फर्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव लॉसेस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव लॉसेस की। जनरली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लॉसेस में स्टोर जो फंजाई होती है, क्योंकि फंजाई की ग्रोथ के लिए जो स्पेशली जो रिक्वायरमेंट होती है 0.65% टेम्परेचर, जिसमें ग्रेन्स में होने वाले लॉसेस को डिफरेंट कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। ये पर्टिकुलर जो ये इन्फेक्शन होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें स्पेशली इन्वॉल्व है फंगस जो एज अ इन्फेक्शन कॉज करती है। इसमें फर्स्ट है हमारा लॉस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। सीरियल ग्रेन में प्रेजेंट न्यूट्रिशनल कंपाउंड पर ये माइक्रो ऑर्गेन्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, और इन इन्फेक्शन होने पर सीरियल ग्रेन्स की क्वालिटी में चेंजेस हो जाते हैं। मीन्स सीरियल ग्रेन्स की जो क्वालिटी है वो कैसी हो जाती है, लॉस हो जाती है। जैसे सम फंजाई जैसे कि एस्परजिलस म्यूकर राइजोपस फ्यूजेरियम, ये जो फंगस होती है ये पर्टिकुलर जो सीड का जो जर्म पॉइंट होता है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर से इंटर करते हैं ये, और जर्म पोर से इंटर करते हुए एंडोस्पोर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही एंडोस्पोर में प्रवेश करते हैं, हमने इसके पहले एंडोस्पोर देखा था, एंडोस्पोर में क्या है पर्टिकुलर फूड मटेरियल स्टोर रहता है उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसी एंडोस्पर्म के बीच में जो पर्टिकुलर हमारी फंजाई होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिशनल पाथवे को स्टॉप कर देती है। जो भी न्यूट्रिशनल की जो पाथवे चलता है पर्टिकुलर सीड में उसे क्या करेगा, स्टॉप करेगा। इस कारण क्या होता है कि पर्टिकुलर सीड में न्यूट्रिशन की वैल्यू कैसी हो जाती है, लो हो जाती है या फिर लॉस हो जाती है। तो ये था हमारा लॉस ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू। सेकेंड है हमारा लॉस बाय माइकोटॉक्सिन्स। स्पेशली हम फंगस की बात कर रहे हैं तो फंजाई द्वारा कुछ स्पेशल टाइप्स के या फिर कुछ टॉक्सिन्स को क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो सीड है सीड में लो या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये जो टॉक्सिन्स हैं प्रेजेंट होते हैं, या तो उनकी जो क्वांटिटी है हाई हो सकती है या फिर लो हो सकती है। उस कंडीशन में सीड की क्वालिटी में क्या आता है, चेंजेस आने लगते हैं माइकोटॉक्सिन के कारण। तो ये था हमारा लॉस बाय माइकोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट देखते हैं लॉस इन टेक्सचर। सीरियल सीड के एक्चुअल कलर में चेंज आना या फिर लॉस इन टेक्सचर, जिससे कि सीड की एक्चुअल साइज भी क्या होती है, चेंजेस हो जाती है। पर्टिकुलर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे पर्टिकुलर सीड में, तो सीड का जो कलर है टेक्सचर है उसमें भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड हमारा क्वांटिटेटिव लॉसेस। तो अब देखेंगे क्वांटिटेटिव लॉसेस कैसे होते हैं। तो ये भी फंगस के द्वारा ही होते हैं। जनरली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लॉसेस में स्टोर प्रोडक्ट
स्पेशली इन्फेक्शन कॉज कौन करती है, फंगस होती है, क्योंकि फंजाई की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट जो टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है, जिससे ग्रेन्स में होने वाले लॉसेस को डिफरेंट कैटेगराइज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन मतलब कि पर्टिकुलर जो सीड है, जो भी हमारे सीरियल ग्रेन्स है, जैसे कि सीरियल ग्रेन्स जो है हमारी पोएसी फैमिली में आते हैं, मतलब ग्रेमिनीस फैमिली में आते हैं, जिसे हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑयल सीड्स भी आते हैं, जो हम लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें आते हैं, हमारे ऑयल सीड्स आते हैं अधिकतर। तो ऑयल सीड्स एंड ग्रेन्स के जो कलर है वो कैसे हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, कहलाता है हमारा डीकलराइजेशन। और किसके थ्रू ये चेंजेस होते हैं, तो हमारे फंगस या फिर बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, जैसे ही सीड को इन्फेक्शन कर दिया जाता है, तो जिससे कि पर्टिकुलर सीड का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है लॉस जर्म एबिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन जर्म एबिलिटी को लॉस कर देता है। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पर्टिकुलर जो सीड है उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके, इससे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ माइकोटॉक्सिन्स। टॉक्सिन रिलीज बाय फंगस इन अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन क्रॉप फील्ड। पर्टिकुलर जो फंगस होती है इसे ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि पर्टिकुलर जो फंगस है मोस्टली मॉइस्चर एरिया में ग्रो करती है। जिस भी कंडीशन में पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन अगर किसी फंगस को मिलती है, तो उसी कंडीशन में फंगस क्या करती है, कुछ माइकोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती है। और जब लो कॉन्सेंट्रेशन में ये पर्टिकुलर जो टॉक्सिन्स है ये स्प्रेड हो जाते हैं क्रॉप फील्ड में। लेकिन क्रॉप हार्वेस्टिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टॉक्सिन्स क्रॉप की क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग की जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्रॉप की क्वालिटी को पूरी तरह से क्या कर देते, डिक्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में माइकोटॉक्सिन्स का जो पहले लेवल था कम था, लेकिन जैसे जैसे फंगस की ग्रोथ होती जाएगी, माइकोटॉक्सिन का जो लेवल है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ माइकोटॉक्सिन्स। इस माइकोटॉक्सिन्स की क्वांटिटी अगर पर्टिकुलर सीड में बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर इसे कोई ह्यूमन या फिर एनिमल कंज्यूम कर ले, तो जिससे क्या होता है, पर्टिकुलर उस एनिमल या ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है, एंड इसी कारण क्या होता है, फूड बॉर्न डिसीज भी होती है। नेक्स्ट है म्यूस्टिनेस। इसका मतलब होता है कि सीड के शेप में चेंज होना म्यूस्टिनेस कहलाता है, जिससे सीड की क्वालिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जैसी फसल हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उस टाइम पे कुछ जो सीड है कुछ गोल होते हैं, है ना, कुछ राउंड शेप के रहेंगे, कुछ जो है छोटे साइज के सीड रहेंगे, कुछ बड़े साइज के सीड रहेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि उस सीड पे पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉज किया होगा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो इस कारण क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर सीड है उसकी जर्मेबिलिटी तो इन्फेक्शन जर्मेबिलिटी पर तो इफेक्ट पड़ता है, साथ ही उसकी क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। उसकी जो पर्टिकुलर सीड है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हमने देखा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लॉसेस। क्वालिटेटिव लॉसेस के अंतर्गत देखा हम लोगों ने न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे लॉस होती है पर्टिकुलर किसी सीड की, एंड माइकोटॉक्सिन्स कैसे किसी पर्टिकुलर सीड को क्या करता है, उसकी क्वालिटी को चेंजेस करता है, एंड कैसे पर्टिकुलर किसी भी सीड का टेक्सचर क्या होता है, चेंज होता है। सेकंड वन हम देखा था क्वांटिटेटिव, जिसके अंतर्गत स्पेशली फंगस की बात हुई थी। फंगस क्या करती है, पर्टिकुलर किसी, फर्स्ट हमने डीकलराइजेशन देखा था, जिसमें क्या होता था कि पर्टिकुलर जो सीड है वो अपना कलर चेंज कर देता है पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय द फंगस। जर्मेबिलिटी क्या होती है, अफेक्टेड होती है अगर माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करे फंगस, जिससे क्रॉप की क्वालिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड नेक्स्ट था हमारा कि पर्टिकुलर सीड है उसके साइज़ में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं।